मेरे फ्रेंड्स आज एक लेसन करेंगे आई एम अ डिस्को डांसर। तो ये पुराने सॉन्ग का रीमेक है, इसका टैप्स करेंगे आज हम लोग। इसका म्यूजिक पार्ट्स बहुत सारा है, इसमें म्यूजिक पार्ट से डिफिकल्ट थोड़ा पार्ट है और ये सॉन्ग काफ़ी फेमस है, तो इसका टैप्स करते हैं आज हम लोग। इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर। ट्यूटोरियल शुरू करते हैं हम लोग। स्टार्टिंग का जो लाइन है यहाँ से, तो झूमो, तो कैसे है वो सेवेंथ फ्रेट है सेकेंड स्ट्रिंग का, उस पर डबल स्ट्रोक करेंगे यहाँ पे, और थर्ड स्ट्रिंग का नाइन्थ फ्रेट है वहाँ पे एक स्ट्रोक कर लेंगे, ठीक है। दो बार यहाँ सेकेंड स्ट्रिंग के सेवेंथ फ्रेट पे और एक बार यहाँ पे थर्ड स्ट्रिंग के नाइन्थ फ्रेट पे, ठीक है। फिर थोड़ा रुकने के बाद है तो नाचो, वो आपका है नाइन्थ फ्रेट है थर्ड स्ट्रिंग का, वहाँ पे डबल स्ट्रोक है, और सेवेंथ फ्रेट है थर्ड स्ट्रिंग का, वहाँ पर सिंगल स्ट्रोक है। फिर दोनों लाइन में जाने के बाद फिर थोड़ा सा फास्ट दोनों लाइन को लेते हैं ऐसे। उसके बाद का लाइन है यहाँ पे, तो मेरे साथ बजाओ यारो। वो क्या करना है इसमें, थर्ड स्ट्रिंग के सेवेंथ और नाइन्थ फ्रेट पे रिपीट करना है सेवन नाइन दो बार। डबल रिपीट करने के बाद फिर डबल टाइम यहाँ पे स्ट्रोक कर देंगे, सॉरी पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे जब रिपीट कर लेंगे सेवन नाइन फिर सेवन थर्ड स्ट्रिंग के सेवन फ्रेट पे दोबारा स्ट्रोक करेंगे, यहाँ पे सिक्स फ्रेट पे डबल स्ट्रोक करेंगे थर्ड स्ट्रिंग के, और यहाँ पे आ जाएंगे नाइन्थ फ्रेट है फोर्थ स्ट्रिंग का नाइन्थ फ्रेट पे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा लाइन फोर्थ स्ट्रिंग का नाइन्थ फ्रेट पे, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद म्यूजिक शुरू हो जाएगा ये वाला, ये आपका तीन बार स्ट्रोक करेंगे यहाँ पे फोर्थ स्ट्रिंग के नाइन्थ फ्रेट पे, नीचे लेंगे सेवेंथ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग के, ठीक है। तो ये रिपीट कर लेंगे फोर्थ स्ट्रिंग के नाइन्थ फ्रेट पे तीन बार स्ट्रोक करेंगे, पहले नीचे लेंगे सेवेंथ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग का, फिर वापस लेंगे फोर्थ स्ट्रिंग का नाइन्थ फ्रेट, फिर ले लेंगे थर्ड स्ट्रिंग का सेवेंथ फ्रेट, फिर ले लेंगे फोर्थ स्ट्रिंग का नाइन्थ फ्रेट, ऐसे रिपीट कर लेंगे। उसके आगे का जो लाइन ये आपका आ जाएगा फिफ्थ स्ट्रिंग का नाइन्थ फ्रेट, सेवेंथ फ्रेट ले लेंगे थर्ड फोर्थ स्ट्रिंग का, पहले लेंगे फिफ्थ स्ट्रिंग का नाइन्थ फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग का सेवेंथ फ्रेट, वापस ऊपर आ जाएंगे फिफ्थ स्ट्रिंग के नाइन्थ फ्रेट पे, उसका लेंगे फोर्थ स्ट्रिंग का सेवेंथ और नाइन्थ फ्रेट, तो ये हो जाएगा रिपीट। ये जो म्यूजिक पार्ट है उसको दोनों को दोबारा बजा लेंगे, ठीक है, दो लाइन को। उसका फिर हो जाएगा आई एम ए डिस्को डांसर लाइन जो शुरू हुआ वो यहाँ से हो जाएगा, ये आपका थर्ड स्ट्रिंग का सेवन सिक्स फ्रेट जो है दोबारा रिपीट कर लेंगे, सेवन फ्रेट सिक्स फ्रेट सेवन सिक्स, ये आपका जाएगा सेवेंथ फ्रेट और नाइन्थ फ्रेट आएगा फोर्थ स्ट्रिंग का सेवन और नाइन्थ फ्रेट, ठीक है डांसर। फिर इसका जो ये म्यूजिक वीडियो शुरू होता है वो आपका शुरू हो जाएगा यहाँ पे, फोर्थ स्ट्रिंग का सेवेंथ है और नाइन्थ है सिंगल, और रिवर्स स्लाइड ले लेंगे यहाँ पे सेवेंथ से फोर्थ के बीच, सेवेंथ फ्रेट से फोर्थ फ्रेट के बीच में रिवर्स स्लाइड ले लेंगे पीछे बैक, अगर आप वो नहीं ले पाएंगे तो एक और है वो, ये आपको यहाँ म्यूट करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा कि स्लाइड ले ले बैक स्लाइड, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दोबारा करने के बाद फिर ये जिंदगी मेरा गाना जो लाइन शुरू होता है, ये स्लाइड से भी ले सकते हैं बिना स्लाइड के भी ले सकते हैं, बिना स्लाइड का कैसा रहेगा, सेवेंथ और नाइन्थ लेंगे फोर्थ स्ट्रिंग का, ये आपका फिफ्थ स्ट्रिंग का नाइन्थ फ्रेट ले लेंगे, या तो सिंपल लेंगे यहाँ पे सेवेंथ फ्रेट पे दो बार और नाइन्थ फ्रेट पे दो बार फोर्थ स्ट्रिंग का, दो बार सेवेंथ पे दो बार नाइन्थ पे दो बार, तो स्लाइड ले लेंगे ऐसे। उसके बाद फिर मैं इसी का दीवाना सेम लाइन हो जाएगा रिपीट, ठीक है। उसके बाद का लाइन फिर शुरू हो जाएगा ये, तो झूमो तो नाचो, वो पीछे का लाइन रिपीट हो जाएगा फास्ट में,
डिस्को डांसर जो मैंने बताया यहाँ पे फिर शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक म्यूजिक पार्ट आता है, थोड़ा सा टफ है वो, हल्का सा बिगनर्स के लिए, कोई बात नहीं, वो मैं बताता हूँ, बहुत ही ईजी हो जाएगा वो। देखिए उसको क्या कीजिएगा आप, यहाँ पे अपनी जगह नाइन्थ फ्रेट है ये फोर्थ स्ट्रिंग का, उस पर डाउन अप दो बार कर लीजिएगा। उसका लीजिएगा आप ये सेवेंथ और नाइन्थ फ्रेट ले लीजिएगा फोर्थ स्ट्रिंग के सेवेंथ और नाइन्थ को, देखिए फिर उसका लेना है फोर्थ स्ट्रिंग के सेवेंथ फ्रेट पे डबल स्ट्रोक, यहाँ पे सेवेंथ ये नाइन्थ फ्रेट ले लेंगे फोर्थ स्ट्रिंग का, इस पर दोबारा स्ट्रोक और इस पर सिंगल स्ट्रोक, लेंगे नीचे लेंगे सिक्स सेवन सिक्स लेंगे थर्ड स्ट्रिंग पे, ऊपर लेंगे फोर्थ स्ट्रिंग के नाइन्थ और सेवेंथ पे, देखिए फिर से बता दूं मैं, ठीक है नाइन्थ और सेवेंथ यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे लाइन को। फिर से देखिए आप इसको, ये इसको दोबारा में रिपीट कर लेंगे, अगला जो लाइन है सेम है वो, बस फ्रेट चेंज सॉरी स्ट्रिंग चेंज है और फ्रेट चेंज है, यहाँ पे देखिए आप ये आ जाएगा आपका फिफ्थ स्ट्रिंग का सेवेंथ फ्रेट है, उस पर भी फोर टाइम स्ट्रोक करेंगे डाउन अप। उसके बाद लेंगे यहाँ पे सिक्स नंबर स्ट्रिंग का टेंथ फ्रेट, वापस नीचे आ जाएंगे फिफ्थ स्ट्रिंग के सेवेंथ फ्रेट पे। उसके बाद का जो लाइन है वो थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा हैमर स्टेप से, पहले ये देख लीजिए पीछे वाला लाइन, फिर से अब लेंगे ये फिर से ले लेंगे ऊपर सिक्स नंबर स्ट्रिंग का टेंथ फ्रेट पे लेंगे डबल स्ट्रोक, नीचे लेंगे सेवेंथ फ्रेट ले लेंगे फिफ्थ स्ट्रिंग का और एट, तो सेवन और एट पे लेंगे हैमर, तीन बार रिपीट कर लेंगे सेवन एट। ऊपर लेना है फिर ये आपका जाएगा सिक्स स्ट्रिंग का टेंथ से सेवेंथ पे आएंगे और सेवेंथ से फिफ्थ तक आएंगे, वापस आ जाएंगे फिर से फिफ्थ से सेवेंथ पे, सब सिक्स स्ट्रिंग पे ही चल रहे, सिक्स स्ट्रिंग पे सबसे ऊपर, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड का लाइन शुरू हो जाएगा वो, मैं तब भी गाता था जब बोलना नहीं आता, जो भी लाइन है वो ये आपका जाएगा स्टैंडर्ड का फर्स्ट लाइन, यहाँ शुरू हो जाएगा थर्ड स्ट्रिंग का सॉरी फोर्थ स्ट्रिंग का नाइन्थ फ्रेट दो बार स्ट्रोक करेंगे, यह आ जाएगा फोर्थ स्ट्रिंग का सेवेंथ फ्रेट, हैमर लेंगे सेवेंथ और नाइन्थ के बीच और हैमर के बाद तीन स्ट्रोक कर लेंगे, पहला तो हैमर पे आ जाएगा एक स्ट्रोक डबल स्ट्रोक उसका लेंगे ऐसे, ठीक है। टोटल इसको इस लाइन को दोबारा रिपीट कर लेंगे, अगला जो लाइन है वो जब बोल पाता नहीं था, जो ये लाइन है ये आ जाएगा आपका फिफ्थ नंबर स्ट्रिंग का टेंथ फ्रेट, तो ये आएगा सेवेंथ फ्रेट आ जाएगा फोर्थ स्ट्रिंग का और नीचे सिक्स फ्रेट आ जाएगा थर्ड स्ट्रिंग का। सिक्स के बाद आएगा यहाँ नाइन्थ फ्रेट है फोर्थ स्ट्रिंग का, स्ट्रोक लेंगे यहाँ पे और लाइन कंप्लीट हो जाएगा, तो पहले दो बार लेंगे फिर सिंगल स्ट्रोक लेंगे ऐसे फोर्थ स्ट्रिंग का नाइन्थ फ्रेट पे, तीन बार स्ट्रोक लेंगे डबल स्ट्रोक एक साथ फिर एक बार सिंगल स्ट्रोक, इतना को रिपीट कर लेंगे। जो रिपीट करने के समय जो लास्ट लाइन मैंने ये बताया यहाँ से, तो ये लाइन नहीं लेंगे अब, इसके जगह फिर ये लेंगे जोड़ देंगे इसमें ये, इसे अगला लाइन में यहाँ ये सेम आएगा, उसके बाद जब ये लाइन आएगा तो यहां तक आने के बाद ये जोड़ देंगे थर्ड स्ट्रिंग का नाइन्थ फ्रेट सिक्स्थ फ्रेट और ऊपर आ जाएगा फोर्थ स्ट्रिंग का
नाइन्थ फेट पे दोबारा शुरू कर लेंगे, देखिए ऐसे। जब चलना आता नहीं था जो भी लाइन है वो ऐसे आ जाएगा अगले लाइन। अब रिपीट करने के बाद फिर यहाँ से नगमों की मस्ती में ये जवानी में क्या क्या लाइन है वो ऐसे जाएगा, ऐसे वो लाइन है। यहाँ से सेकेंड स्ट्रिंग का सेवेंथ फेट, थर्ड स्ट्रिंग का नाइन्थ फेट है, यहाँ पे फिर वापस आ जाएंगे सेवन और फेट है सेकेंड स्ट्रिंग का, और तीन बार स्ट्रोक कर देंगे यहाँ पे। अगले बार जो लाइन आएगा उसमें बस ये जुट जाएगा एट नंबर फेट, देखिए तो ये ऐसा जाएगा सेवन नंबर फेट है सेकेंड स्ट्रिंग का, उस पर लेंगे दो बार, थर्ड नंबर स्ट्रिंग का नाइन्थ फेट, नीचे आ जाएगा सेकेंड स्ट्रिंग का एट और सेवन फेट, यह जाएगा नाइन्थ फेट है सेवन फेट और सिक्स फेट लेंगे थर्ड स्ट्रिंग का, यहाँ तक आ जाएंगे। उसका फिर है डांस मेरी लव की जवानी में जो लाइन है वो थर्ड नंबर स्ट्रिंग का, ये आपका आ गया सिक्स नंबर फेट, ये सिक्स नंबर फेट, यहाँ पे दोबारा स्टॉप करेंगे, फिर लेंगे सेवन फेट और नाइन फेट ऐसे। मैं स्लो बजा रहा हूँ फिर से, यहाँ तक आने के बाद फिर नीचे आ जाएंगे, ये आपका सेवन एट और सेवन लेंगे सेकेंड स्ट्रिंग के, सेवन फेट एट फेट और सेवन फेट, आपका आ गया नाइन्थ फेट सेवेंथ फेट और सिक्स फेट थर्ड स्ट्रिंग का, और ऊपर नाइन्थ फेट लेंगे फोर्थ स्ट्रिंग का सिंगल स्ट्रोक, तो ये यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। उसके बाद जो लाइन शुरू होगा फिर ये लाइन आ जाएगा आपका फोर्थ नंबर स्ट्रिंग का नाइन्थ फेट है, नीचे ले लेंगे थर्ड स्ट्रिंग का सिक्स फेट सेवेंथ फेट और सिक्स फेट, तो यही मेरी जीत। ये आपका जाएगा सेवन और फेट और नाइन फेट ले लेंगे थर्ड स्ट्रिंग का, फिर सेवन और सिक्स ले लेंगे थर्ड स्ट्रिंग का, नाइन्थ फेट ले लेंगे आपका फोर्थ स्ट्रिंग का, और बिल्कुल यही तीन बार यही रिपीट हो जाएगा, देखिए फिर झूमो तो नाचो जो लाइन आएगा फिर पीछे का जब देख के कर लीजिएगा। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।